फिर आपका स्वागत करती हूँ हेडजी न्यूज में। सफाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पीएम मोदी जी ने एक्चुअली इसको लेके काफी सारे अभियान चलाए हैं। आज हमारे सामने एक ऐसी खबर है जो कि पीएम मोदी जी खुद ही अपन एक ऐसी समुद्री तट पर पहुंचे जहां पर बहुत ही ज्यादा गंदगी थी और वो वहां पर सफाई करने लग गए और जिनकी वीडियो उन्होंने खुद ही शेयर की है। तो चलिए जानते हैं उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लोगों को क्या बोला है और वो वहां पर क्या कर रहे थे, सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो पीएम मोदी करके एक कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। सो गाइस, सफाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने घर पे रहते हैं तब तो आप सफाई करते ही हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान चला जाए तो हर रोज आप उस चीज को सेट करते हैं, डस्टिंग करते हैं, काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो ये इंडिया भी तो अपना घर है और बहुत सारे लोग ये सब चीजें देखते नहीं है, सोचते नहीं है, सिर्फ अपना घर ही क्लीन करना चाहते हैं। और पीएम मोदी जी के लिए एक्चुअली पूरा इंडिया ही उनका घर है, हम सब लोग उनका परिवार है और वो हर किसी को यही सब चीजें बोलते हैं कि स्वच्छता रखिए, स्वच्छता रखिए। और इसके लिए उन्होंने स्वच्छता अभियान भी चलाए हुए हैं और जिसको लेके काफी सारी ऐसी टीम है जहां पर ये सब चीजें सफाई करते हुए दिखाई देती है। और ये पहली बार नहीं हुआ जहां पर पीएम मोदी खुद सफाई करते हुए दिखाई दिए हैं। पहले भी बहुत बार उनके किसी के साथ ऐसा स्वच्छता अभियान में उन्होंने हाथ बटोरा है। और उसी के साथ अभी हमारे सामने महाबलीपुरम से एक मामला आ रहा है जो कि पीएम मोदी जी का है। वो समुद्री तट पर सुबह सैर करने के लिए निकले थे और जब वो सैर करने के लिए निकले तब उन्होंने वहां पर पाया कि काफी ज्यादा गंदगी है और उन्होंने एक कवर लिया और कवर लेके जैसे जैसे वो वॉक कर रहे थे 30 मिनट तक उन्होंने जो भी कचरा था वो उस बैग में डाला। और बैग में डालने के बाद उन्होंने ये वीडियो एक्चुअली खुद के ट्विटर अकाउंट में शेयर की है और शेयर करने के बाद उन्होंने ये चीज लिखी है कि अगर आप स्वच्छता में बिलीव करेंगे, अगर आप अपने आजू बाजू में सब चीजें क्लीन रखेंगे तो एक तो वातावरण काफी ज्यादा क्लीन रहेगा और अगर वातावरण क्लीन रहेगा तो आपको ऑक्सीजन क्लीन मिलेगी, आपको पानी क्लीन मिलेगा और आपकी स्वास्थ्य, आपका बॉडी एकदम सही रहेगा, आपकी स्किन काफी ज्यादा सही रहेगी। काफी सारी चीजें एक ही चीज से जुड़ी होती हैं। उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्यार से सब लोगों को समझाया और अपनी वीडियो शेयर की जिसमें लोग काफी ज्यादा रीट्वीट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा पीएम मोदी जी को बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि महाबलीपुरम पीएम मोदी जी क्यों पहुंचे थे, तो चीन के प्रेसिडेंट वहां पर आए हुए हैं जिनका नाम है शी जिनपिंग और वो वहां पर आए हैं। वहां पर पीएम मोदी जी ने उनका स्वागत बहुत ही अच्छे और वहां के रिवाज के साथ किया जहां पर उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था और काफी सारे जो उनके रिवाज है काफी ज्यादा उन्होंने घुमाया और रात को वो डिनर पे साथ में मिले और काफी ज्यादा उन्होंने बातें की और कम से कम 2.5 घंटे तक उनके बीच में बातचीत हुई और काफी सारी आतंकवादियों को लेकर और भी क्या क्या सब चीजें कर सकते हैं, आगे क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, वो सब चीजें मीटिंग वहां पर हुई। आई होप गाइस इसके बारे में जान के आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा और आप भी इस स्वच्छता अभियान में हाथ बटाएंगे और अगर आपके आजू बाजू में कुछ भी गंदगी है उसको साफ कीजिए और आप स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच न्यूज।